हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रेक। नेक्स्ट देख लेते हैं बॉयलर के एसेसरीज के बारे से। बॉयलर का एसेसरीज का काम क्या होता है? अगर ये बॉयलर पे ना हो तो भी ये चल सकता है बॉयलर, लेकिन यदि आपको एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर एसेसरीज को लगाया जाता है। बॉयलर एसेसरीज लगाने से उसकी एफिशिएंसी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो बॉयलर एफिशिएंसी के रूप में हम लोग जनरली इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, फीड वाटर हीटर और फीड पंप का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो इकोनोमाइजर है, सबसे पहले देखते हैं इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर जनरली कहाँ पर लगाया जाता है करके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इकोनोमाइजर चिमनी और फर्नेस के बीच में लगाया जाता है। इकोनोमाइजर का काम होता है बॉयलर के स्टीम ड्रम पर पानी भेजने से पहले जो फीड वाटर लाइन होता है, एक लाइन डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ। ये क्या होगा, मान के चलो कि ये एक इकोनोमाइजर है। तो यहाँ पर हम लोग जब भी BFP बॉयलर फीड पंप बॉयलर फीड पंप से पानी को भेजते हैं, तो पानी को भेजने से पहले यहाँ से जो वेस्ट फ्यूल जो जा रहा है, फ्लू गैस जा रहा है, उसको क्या कर देते हैं, इकोनोमाइजर से हम लोग पास करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे ट्यूब्स बने होते हैं, इसको और आगे डिफाइन करूँगा, अभी एक एक करके समझाते जा रहा हूँ। तो BFP का पानी क्या करते हैं, बॉयलर फीड पंप के पानी को हम लोग सबसे पहले कहाँ भेज देते हैं, इकोनोमाइजर में भेज देते हैं। तो इकोनोमाइजर में बहुत सारे ट्यूब होने की वजह से और जो वेस्ट फ्यूल है, ठीक है, जो जिसको हम लोग चिमनी से बाहर कर रहे हैं, उस पर क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। तो इस टेम्परेचर के कारण, फ्लू गैस के टेम्परेचर के कारण हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हीट जनरेट कर लेते हैं, हीट ले लेते हैं। और ये जो बॉयलर के स्टीम ड्रम में जाने वाली पानी है, उसको ड्रम में भेजने से पहले उसको क्या कर लिया जाता है, गर्म कर लिया जाता है। तो इकोनोमाइजर का काम होता है बॉयलर के स्टीम ड्रम में पानी को जाने से पहले वो क्या कर देता है, थोड़ा सा हीट कर देता है, ताकि जब भी बॉयलर पर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा हीट के पानी को अगर भेजेंगे तो उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए क्या कर देता है, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। जो यहाँ पर फालतू जो गैस जा रहा है, वेस्ट हीटेड जो गैस जा रही है, उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब करके उसके वाटर के टेम्परेचर को कुछ परसेंट तक इंक्रीज कर देता है, जिससे वो क्या करेगा, हीट देने में, स्टीम जनरेट करने में उसको कम समय लगता है। नेक्स्ट है एयर प्री हीटर। सेम टू सेम बॉयलर में फर्नेस पर आग लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एयर का उपयोग किया जाता है। तो एयर में यदि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से अगर हम लोग उसको फर्नेस में डाल देंगे, तो एटमॉस्फेयर में एयर जो रहेगा वो क्या रहता है, मॉइस्चर वाला रहता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो उस मॉइस्चर की वजह से फर्नेस में जो हीट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एयर प्री हीटर का काम क्या होता है, जो एयर हम लोग देते हैं FD फैन से, फोर्स ड्राफ्ट फैन बोला जाता है इसको, FD फैन से हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर को यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं उसको APH में। APH क्या होता है, इकोनोमाइजर से जस्ट नीचे हम लोग किसको लगाते हैं, APH एयर प्री हीटर, और इसको बोलते हैं इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर के जस्ट बाद में हम लोग एयर प्री हीटर को लगाते हैं। एयर प्री हीटर का काम क्या है, एफडी फैन से जो एटमॉस्फेयर से एयर लिया जा रहा है, उसको हम लोग पहले क्या कर देते हैं, APH में जो वेस्ट फ्यूल है उसी के हीट से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको गर्म कर देते हैं। और जब एयर को गर्म करेंगे तो यहाँ से मॉइस्चर फ्री हो जाता है, और ये जब फर्नेस में जाएगा तो फर्नेस में जाने से क्या कर देता है, ये आसानी से जलता है, ठीक है, आसानी से फ्यूल को जलाता है और अच्छी तरह से कम्बशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है फीड वाटर हीटर। फीड वाटर हीटर भी क्या होता है, जो फीड वाटर को हम लोग भेज रहे हैं उसके पहले हम लोग ग्रेटर पर भी उसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो वहाँ पर भी ये क्या कर लेता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फीड पंप। अब जान ही रहे हो कि जो बॉयलर होता है वो रेंकाइन साइकिल पर वर्क करता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि रेंकाइन साइकिल होता क्या है, इसको फिर बाद में डीपली हम लोग समझेंगे। तो जब भी हम लोग किसी बॉयलर पर पानी को हाई प्रेशर पर जब भेजते हैं, तो जितना ज़्यादा प्रेशर हम लोग जनरेट करेंगे, प्रेशर ये वॉल्यूम के बीच में खींचा जाता है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर हम लोग देंगे, तो ये क्या होता है, ये वर्क एरिया
जितना ज़्यादा ये बढ़ते जाएगा उतना ही कम काम करना पड़ेगा, जितना कम प्रेशर पे हम लोग इसको इंसर्ट कराएंगे उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा प्रेशर से हम लोग बढ़ाते हैं तो उतना कम काम करना पड़ता है, मतलब कि उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कम समय लगता है। और ज़्यादा जो सुपर क्रिटिकल बॉलर होते हैं वो क्या होते हैं, इसे हाई प्रेशर में भेज देते हैं, तो यहाँ पर वर्क एरिया बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से तुरंत सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता ही होगा कि जब भी हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कम हीट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए फीड पंप को भी एसेसरीज के रूप में माना जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ समझ में आया होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके और डिफाइन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच सके और आपके लिए बेनिफिट हो सके। और यदि आपके कोई फ्रेंड्स अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर तैयारी करना चाहता है, जो बॉयलर के लाइसेंस लेना चाहता है, उसे ये इंटरव्यू से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन की तैयारी करना चाहता है तो उसके पास शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।